मेरे लिए चालें, मामा शकुनी चलेंगे। भ्राताश्री, मामा शकुनी बहुत दूर थे, उनके साथ खेलना उचित नहीं। एक क्षण मामा शकुनी, मैं पासों को बदलना चाहूंगा। कोई बात नहीं भांजे भीम, लो चुन लो। ये ठीक है, ये लीजिए। संतुष्ट हो गए? आरंभ किया जाए? खेल के नियम तो तुम जानते ही हो। पहले पासा फेंकने का अवसर मैं तुम्हें देता हूं, ये लो। हम जीत गए। तुम दुर्योधन से क्या चाहते हो युधिष्ठिर? हमारे बीच कोई युद्ध न हो, शांति के लिए एक स्थायी संधि चाहता हूँ। इसमें कोई समस्या नहीं, मैंने सोचा तुम आधा राज्य मांगोगे। हमारे पास राज्य है और ये खेल हम आपसे स्नेह के लिए खेल रहे हैं, ताकि हमारी मित्रता बनी रहे। नहीं, मित्रता का कोई संबंध नहीं। भ्राताश्री, चलिए चलते हैं। शांत रहो भीम, उत्तेजित न हो। देखो, आज भाग्य भी साथ है। एक और चाल और हम जीत जाएंगे। यदि असावधानी वश चुके तो लुट जाएंगे। अब मैं पासे फेंकूं, चाल हमारी है। अवश्य, यदि चार आता है तो हम जो भी मांगेंगे तुम्हें देना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अरे वाह, अब तो हम इनसे जो भी मांगेंगे इन्हें देना पड़ेगा। कैसी रही युधिष्ठिर, तुम्हारा राज्य अब मेरा हुआ। क्या, ये तो छल है। पासे तुमने चुने हैं और ये तो खेल है, इसपे छल की क्या बात है। ठीक है, इंद्रप्रस्थ तुम्हारा हुआ। भ्राताश्री, वचन दीजिए कि इस चाल के बाद आप नहीं खेलेंगे। अवश्य अर्जुन, इंद्रप्रस्थ तो वापस ले लीजिए इनसे। देखा अर्जुन, भाग्य हमारे साथ है, हम ये दाव जीत गए। चलिए इंद्रप्रस्थ लौटा दीजिए। दे दिया। अब हम जाना चाहेंगे। हाँ, जा तो सकते हो, किंतु हमारी चाल तो हो जाने दो, खेल का यही सिद्धांत है। ठीक है, आप अपनी चाल चलिए। पांच, हम फिर विजयी हुए मामा श्री। भांजे, इस बार भ्राताश्री युधिष्ठिर से क्या चाहते हो? भीम को मेरा दास बनाना होगा। दुर्योधन, ये कैसी नीचता है। मुझे भीम वापस चाहिए। किंतु विधि की मंशा कुछ और ही थी। ओ, ये दाव। युधिष्ठिर जैसे धर्मप्रिय व्यक्ति को भी एक ही सही, पर द्यूत क्रीड़ा जैसे बुरे व्यसन के लिए कष्ट उठाना ही था। धूर्त शकुनी की कुटिल चालों में फंसकर युधिष्ठिर बेबस हो गए। दांव पर दांव लगाते रहे और हारे हुए दांव जीतने के प्रयास में युधिष्ठिर समस्त संपदाओं समेत अपना राज्य तो राज्य, प्राण प्रिय अनुजों के साथ स्वयं को भी गवा बैठे। क्षमा करना अनुजों, मैं अपने किए पर बहुत ही लज्जित हूँ। तुमने तो अपना सब कुछ गवा दिया युधिष्ठिर, किंतु एक ही चाल में चाहो तो अपना सब कुछ जीत कर वापस ले सकते हो। दाव लगाने के लिए तुम्हारे पास अब भी एक अनमोल रत्न है। क्या है वो? सब कुछ दाव लगाकर पहले ही हार चुका हूं। हम पांचों भाई भी तुम्हारे दास हो गए हैं। प्रिय युधिष्ठिर, दाव लगाने के लिए पांचाली से क्या? तुम सब मेरे दास हो, अनुशासन से रहना सीखो। द्रौपदी पे तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, किंतु फिर भी मानवता के नाते एक और चाल खेलने का अवसर देता हूं। जीत सके तो तुम्हारा सब कुछ लौटा दूंगा। मुझे खेलना ही होगा ये दाव जीतने के लिए। यदि हारे तो? हारे तो पांचाली को भी गवा दोगे और तुम्हारे तन पर केवल कपड़े ही बचेंगे। यदि तुम चाहो तो वो भी उतरवा लिया जाएगा भांजे।
दुष्ट कही के नीचता की पराकाष्ठा भी पार कर दी तुमने। मुझे अपनी प्रशंसा में ऐसे अलंकृत शब्द अच्छे लगते हैं। तुमने अवसर गंवा दिया, तुम सब इस घड़ी से कौरवों के दास होकर रहोगे। प्रिय दास बंधुओं, किसी के साथ मेरा एक प्रतिशोध शेष है अभी। दुशासन, भ्राताश्री, ले आओ उसे। जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाता हूँ। चल, चल। तेरा ये साहस, ये मत भूल कि अब तू कौरवों की दासी है। मुझे, आपने किस अधिकार से मुझे दाव पर लगाया? क्या पति का आचरण यही होता है कि इस प्रकार पत्नी को ही दाव पर लगा दे? कितनी लज्जा की बात है। इसे वस्त्रहीन करो दुशासन। पांचाली, भगवान आज तेरी रक्षा कोई नहीं कर सकता। मेरी लाज आज आपके हाथ में है। जिसे भी पुकारना हो पुकार ले, मेरी रक्षा कीजिए। आज तो वही होगा जो हम चाहेंगे। द्वारकाधीश, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ना। मेरे पति लाचार खड़े हैं, बस आपका ही आसरा है प्रभु। रक्षा कीजिए ना, हे भक्तवत्सल, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। मेरी लाज आज आपके हाथों है। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण, 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 कृष्ण। धन्यवाद मुरलीधर, आज आपने मेरी लाज बचा ली। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की लाज तो बचा ली, किंतु पांडवों के समक्ष अभी संकट की घड़ियां शेष ही थीं। दुष्ट दुर्योधन की इच्छा के अनुसार उन्हें 12 वर्ष के लिए वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए जाना पड़ा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु छोटी सी उम्र में ही अजय योद्धा था। उसने सुभद्रा के गर्भ से ही युद्ध कला के गूढ़ रहस्यों को सीख कर जन्म लिया था। पिताश्री, मुझे युद्ध करने का अवसर कब मिलेगा? मैं भी युद्ध करना चाहता हूँ। धैर्य रखो प्रिय पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो। तो क्या हुआ, मैं आपकी संतान हूँ, मैं भी शत्रुओं के छक्के छुड़ा सकता हूँ। आप केवल आज्ञा तो दीजिए। आपका ये पुत्र रण क्षेत्र में हाहाकार मचा देगा पिताश्री, यही लालसा है। आशीर्वाद दीजिए मुझे। विधि का विधान कुछ और ही था। अर्जुन की अनुपस्थिति में द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रच डाला, जिसे तोड़ना केवल अर्जुन को ही ज्ञात था। पांडवों की प्रतिष्ठा दांव पर देख अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने का बीड़ा उठाया। अभिमन्यु ने माता के गर्भ में ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना सीख लिया था, किंतु उसे अंतिम द्वार तोड़ना नहीं आता था। नहीं नहीं, ये तो युद्ध के नियमों के विपरीत है। युद्ध के नियम युद्ध से ही रचे जाते हैं। इसका शव मेरी ओर से अर्जुन को उपहार में भेज दिया जाए। पांडवों का कुलदीपक कौरवों की कुटिलता का शिकार हो समय पूर्व ही अस्त हो गया।
हे कृष्ण, जिस गुरु ने मुझे शस्त्र कला की शिक्षा दी, आज उन्हीं के साथ युद्ध करना होगा। क्या मैं उनका वध कर सकता हूं? अति आवश्यक है अर्जुन, कौरवों की रीढ़ यही है। ठहरो, मैं उपाय बताता हूं। कौरवों के दुष्चक्रों के उत्तर में कृष्ण ने भी एक चक्र रच डाला। मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। मेरा पुत्र संसार में नहीं रहा। गुरु पुत्र के नाम का ही एक गज था, वो मारा गया और गुरु सोच रहे हैं कि उनका पुत्र नहीं रहा। उनको सही सूचना दे दूं? ऐसा ना कीजिएगा। सत्य को कैसे दबाऊं? कुछ करना होगा, अन्यथा युधिष्ठिर तो सारे श्रम पर पानी फेर देंगे। हे गुरुवर, अश्वत्थामा मारा गया किंतु आपका पुत्र नहीं, वरन एक गज था। मेरा पुत्र। हिडिंबा नामक राक्षसी से भीम का पुत्र था घटोत्कच, महाबलशाली, साथ ही मायावी शक्तियों का स्वामी। युद्ध का समाचार मिलते ही घटोत्कच चला आया अपने पितृकुल का युद्ध में साथ देने। पिताश्री, मैं आ गया, अब आप विश्राम करें, युद्ध मैं करूंगा। कौरवों के मान मर्दन के लिए मेरे पास मायावी अस्त्र हैं, मुझे केवल आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है। विजयी भव प्रिय पुत्र। पांडव सेना का नाश कर दो। ठहरो तो सही। अरे अरे, भागते कहाँ हो? देखो तुम्हारा काल आ गया। ये तो भीम का मायावी पुत्र है घटोत्कच। इसका संहार शीघ्र करना होगा। महारथी कर्ण, अरे बड़े बड़े बाण चलाओ। इन छोटे छोटे बाणों से मुझे गुदगुदी होती है। क्या करूं, कैसे रोकूं इसे? कर्ण, इस दानव बालक के संहार का एक ही उपाय है, तुम्हें शक्ति का प्रयोग करना होगा। उससे मुझे अर्जुन का वध करना है। रहोगे तो ना करोगे? लगता है शक्ति का प्रयोग करना ही होगा। माधव, आप किस पक्ष में हैं? आपने कर्ण को इतना भयानक शस्त्र उपयोग करने के लिए क्यों कहा? मेरा प्रिय भतीजा घटोत्कच मारा गया। अर्जुन, इसके पीछे एक उद्देश्य था, वो शस्त्र उसने तुम्हारे लिए रखा था, अवश्य मारे जाते तुम। इस युद्ध में तुम घटोत्कच से ज्यादा महत्वपूर्ण हो। हे कृष्ण, यदि कर्ण ने पुनः मुझ पर शक्ति का प्रयोग किया तो? वो अस्त्र व्यर्थ हो गया, उसका प्रयोग एक ही बार हो सकता है। आज युद्ध का अंतिम दिन है। भीम ने सूर्यास्त से पहले दुर्योधन की जंघा तोड़ने का प्रण किया है। भयभीत दुर्योधन अपने प्राण के लिए भाग रहा है। वो जल के अंदर जा छिपा है। सारा जल सुखा देता हूं अग्नि बाण के प्रयोग से। नहीं, प्रकृति पर अत्याचार न करो, उसे बाहर आने दो। अंधकार होने के पूर्व मैं नहीं निकलने वाला। आज सूर्यास्त के पहले उसका वध करना है मुझे। थोड़ा धीरज रखो, मैं उसे बाहर निकालता हूं। हे
अंधकार प्रतीत होता है, लगता है सूर्यास्त हो गया। अब मैं यहाँ से छिपकर निकल जाऊंगा और पुनः शक्ति एकत्र करके लौटूंगा। ठहर जा, उठा अपनी गदा। अंतिम समय आ गया है निकृष्ट प्राणी, अपने सारे अत्याचार स्मरण कर ले, स्मरण कर ले कितना सताया, कितना अपमान किया हमारा तूने। दुर्योधन, हमने मांगा ही क्या था? थोड़ी सी भूमि, मित्रता, शांति, क्या ये कुछ अधिकता कृपण प्राणी? कुछ नहीं दूंगा जीते जी। ये अब भी नहीं सुधरा, चलो मरने दो इसे।